इतनी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इतनी मजबूत, दुनिया की सबसे मजबूत लड़कियां हैं ये, जब ये सुरक्षित नहीं है तो हमारे जैसे गली मोहल्ले चल रहा है ना प्रोटेस्ट, इसके जो एंटी लोग हैं वो ही शराब पी पी के आ रहे हैं और वो इसे बदनाम करने के लिए और ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया इन बेटियों पर। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बेटियों के बारे में, महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज कहाँ गए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर को और सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए, जो अभी केंद्र में सरकार है उनको सोचना चाहिए कि हमारी बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और ये बेटियां अपना मेडल तक। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में हूँ। तमाम मुद्दे हैं लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो भारत का बन चुका है कि बेटियों को कब न्याय मिलेगा। ये बेटियां लगातार जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है मैम, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी में इतना देर क्यों हो रहा है? देखो, यदि उसने महिलाओं के साथ इतना अत्याचार करा है फिर भी उनके गिरफ्तारी में इतनी लेट क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें तो साफ पता लगता है, यदि वो बीजेपी का सांसद है इसीलिए उसकी गिरफ्तारी में इतनी देर हो रही, क्योंकि खुद ही ये लोगों ने पॉलिटिकल मामला बना दिया। जब रेसलो ने उन्होंने उनकी कंप्लेंट करी थी तो उनको तुरंत उनको अरेस्ट करना चाहिए था, एफआईआर भी होगी तो अरेस्ट करना चाहिए था, तो ना तो बीजेपी का नाम आता ना किसी का, खुद ही इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना रखा है इसको। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं बेटियों के लिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियों पर कितना काम हो रहा आप भी देख रहे हो, क्यों उस चीज़ पर काम नहीं कर रहे? करनी और कथनी में क्यों फ़र्क है? हमारी स्मृति ईरानी महिला वो है, उसने एक भी ट्वीट किया इन महिलाओं पे, बिल्कुल भी नहीं किया, और न ही हमारे किसी भी सांसद। लगातार पहले दिन से आप आ रही हैं, इस प्रदर्शन को कैसे देख रही हैं, कब तक चलेगा? जब तक ब्रजभूषण को जेल नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा, ये प्रदर्शन चलता रहेगा, और हम लोग लगातार आ रहे हैं और शांतिपूर्ण के प्रदर्शन कर रहे हैं। हम केवल जंतर मंतर पे इन रेसलरों के लिए आ रहे हैं, ना हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा है, सिर्फ हमारे देश की बेटियों के लिए आ रहे हैं, इन महिला खिलाड़ियों के लिए हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बस हमारा एक ही मकसद है, जिस दिन ब्रजभूषण को जेल हो जाएगी उस दिन हम यहाँ से नहीं आएंगे। जांच कमेटी भी बैठी थी और तमाम तरह की और भी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या आप लोग को भरोसा नहीं है कमेटी पे? कमेटी भी कहाँ से भरोसा होगा? आप एक चीज़ बताओ, इतने एफआईआर करे कितने दिन हो गए, अभी तक ब्रजभूषण के ऊपर कोई भी वो नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया भाई, जब आपको पता है इन रेसलरों ने बता दिया, जो देश का नाम रोशन कर रही है उन्होंने तक बता दिया कि भैया ये शोषण करता है महिला खिलाड़ियों के साथ, तो इनको उसमें सीरियस लेना चाहिए और इस मुद्दे को सीरियस रखना चाहिए और ब्रजभूषण को जेल होनी चाहिए। तो जेल होने में या गिरफ्तारी होने में इतना देर क्यों किया जा रहा है लगातार, जबकि आंदोलन हो रहा है उसके बावजूद भी इतनी देर? ये बेटियां रो रही हैं, अपना मेडल फेंकने को मजबूर हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को और सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए, जो अभी केंद्र में सरकार है उनको सोचना चाहिए कि हमारी बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और ये बेटियां अपना मेडल तक वापस कर रही हैं। फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया इन बेटियों पर। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बेटियों के बारे में, महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज कहाँ गए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी, जो ये बेटियां जंतर मंतर में लगातार इतने दिन से परेशान हो रखे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए एक बार भी मोदी जी ने कुछ नहीं कहा? उस दिन तो मोदी जी जब ये खिलाड़ी मेडल लेके आए थे तब खिलाड़ी मोदी जी के रिश्तेदार हो गए थे, आज कहाँ हैं मोदी जी हमारे? मैं तो सिर्फ अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से सवाल करूँगी, बाकी मैं किसी से नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वहीं दूसरा नारा भी लगता है कि महिला सम्मान में भाजपा मैदान में, इसको कैसे देखती है? बिल्कुल भी महिला सम्मान में यदि भाजपा मैदान में होती तो कितने सांसद हैं, कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं महिला, आज तक किसी ने एक ट्वीट किया? बिल्कुल भी नहीं, ये महिला विरोधी है। कहाँ से आई है मैम? मैं 21 जनपद से। तो क्या लग रहा है इन बेटियों को कब तक न्याय मिलेगा? भाई जब तक नहीं मिलेगा बैठे रहेंगे, न्याय दिलवा के रहेंगे। समर्थन देंगे आप लोग? हाँ जी, रोज दे रहे हैं, 14 दिन हो गए आज। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरह से बताया गया कि इस प्रदर्शन में शराब पी के लोग आ रहे हैं, इसको कैसे देखती हैं? ये जो लोग आ रखे हैं ये एंटी पहलवान लोग हैं, जो एंटी पहलवान, जो प्रोटेक्शन ये जो चल रहा है ना प्रोटेस्ट, इसके जो एंटी लोग हैं वो ही शराब पी पी के आ रहे हैं और वो इसे बदनाम करने के लिए और ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। हमारे सबसे प्रार्थना है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, ये बच्चियों का साथ दें, और ये हम एक इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आने वाले टाइम में हम सबकी बच्चियों की प्रॉब्लम है।
जो हम घर में बैठे हैं ना और हम सोच रहे हैं हमारे साथ नहीं होगा, ये हमारे बच्चों के साथ भी होने वाला है। क्योंकि मैसेज क्या जा रहा है, मैसेज ये जा रहा है कि जब इतनी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इतनी मजबूत, दुनिया की सबसे मजबूत लड़कियाँ हैं ये, जब ये सुरक्षित नहीं हैं तो हमारे जैसे गली मोहल्ले की लड़कियाँ जो होंगी वो क्या सुरक्षित होंगी। कुछ दिन पहले ही अभी गृह मंत्री का बयान आया था कि महिलाएं भारत में इतनी सुरक्षित हैं कि 12 बजे रात में भी गहना लाद के निकल सकती है। ये गहना निकल तो रहा है ना गहना, अब ये गहना लेके ही तो वो हुई है, अब इनकी इतनी वो हो रही है काम। ऐसे बोलने से, सिर्फ एक नारा देने से या बोलने से सच्चाई नहीं होती, ये रियलिटी नहीं है। सिर्फ बोलने के लिए बोला जा रहा है लेकिन हकीकत ये है कि FIR तक दर्ज नहीं होती। और ये तो जब इतनी बड़ी वो हैं प्लेयर्स, इनकी नहीं हो रही तो एक आम गली मोहल्ले की लड़की की कहाँ होगी। आप खुद सोच के देखिए, आप जैसी हो की भी अगर हो जाती है, अभी देखना साक्षी जोशी जो थी वो एक पत्रकार थी, उसे कहाँ पे छोड़ा रात को ले जाके, उस दिन जिस दिन ये प्लेयर्स रोए उसे कहाँ छोड़ा, उसे बिल्कुल सुनसान जगह पे रात के 1 बजे छोड़ दिया। भगवान ना करे उसके साथ कुछ हो जाता तो क्या वो होता। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, वो कहती हैं कि मेरे साथ भी बदतमीजी की गई, मुझे भी डिटेन किया गया और गुंडागर्दी की गई। इस तरह के उनके बयान आए, वो भी जंतर मंतर पे अपना दुख बता रही थी। तो जो बेटियों के समर्थन में आ रहा है उसे डिटेन क्यों किया जा रहा है। वही मैंने टीवी पे ही देखा था उन्हें, उनके साथ वाकई जो करा गया वो महिला आयोग वाली लगी नहीं रही थी। वो तो ऐसा लग रहा था कि सर एक आम लड़की हो और जो इनके समर्थन में आई हो और उसे इस तरह फेंक दिया गया उठा के कार के अंदर कि जैसे कूड़े को फेंक दिया जाता है। तो जब मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको ये ऐसे ही फेंकेंगे। अभी जो बोल रही है ना बबीता फोगाट, नहीं बोल रही, जिस दिन बबीता फोगाट आप इनके के समर्थन में आ जाएगी प्लेयर्स के, उसके साथ भी ऐसा ही होगा जैसे उसकी बहन गीता फोगाट के साथ हुआ है, उसे तो यहाँ तक नहीं आने दिया गया। यानी कि बारी सबकी आएगी, जो लोग चुप हैं, जो लोग घरों में बैठे हैं, बारी उनकी भी आएगी। हाँ, जो ये लोग सोचते हैं ना कि भाई हमारे कुछ नहीं होने वाला, सच्चाई तो यह है कि जो पहले सोच रहे थे हमारे कुछ नहीं होने वाला उनके तो अब हो गया है, और जो अब सोच रहे हैं ना कि हमारे कुछ नहीं होने फ्यूचर में, उन्हीं के साथ होने वाला है। क्योंकि ये थप्पड़ सबके मुँह पर लगेगा धीरे धीरे। क्या क्या संदेश देंगी उन बेटियों को, क्या संदेश देंगी जिस तरह से भारत में हो रहा है सुरक्षा को लेकर, आप क्या कहेंगी उन बेटियों को? तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम हैं, लेकिन फिर भी जब बेटियां रेप से पीड़ित होती हैं, उन बेटियों को क्या संदेश देंगे? ऐसा है, उनका तो ये हाल हो रखा है जो नेताओं का है कि हमें वोट दे दो और हमें जिता दो, हम तो मजे करेंगे और तुम हमारी तरफ से कैसे ही जाओ वो तुम जानो। वोट नहीं देने तक तो वो सबको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जैसे उन्हें मिल जाती है जीत मिल जाती है और पावर मिल जाती है, उसके बाद उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। यही है कि अपनी सुरक्षा अपने आप करो, सिस्टम नाम के इस देश में कोई वो है नहीं चीज। वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के राजनीति कर रही हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठ के ये बेटियाँ राजनीति कर रही हैं। अब एक बात बताओ, जब तक इन्होंने राजनीति नहीं करी थी, चलो आपकी और उनकी बात पूरी करते हैं हम, जब तक राजनीति करी थी क्या FIR दर्ज हो गई थी? नहीं हुई थी ना FIR दर्ज, अब हुई है। अब राजनीति करने के बाद भी नहीं हो रही तो फिर इस राजनीति का भी क्या फायदा। वहीं खेल मंत्री कह रहे हैं कि अब धरना हटा लेना चाहिए, FIR तो दर्ज हो चुकी है। सिर्फ FIR तो इसके पीछे ऊपर और भी हो रखी है, इससे पहले भी हो रखी है, कुछ बिगड़ा है इसका। हर एक पेपर में छपेगा तो अब तो क्या अब क्या वो होगा? अभी पहले भी नहीं छप के आएगा, पहले भी नहीं छपी उसकी वो हुआ था। इतने ऐसे ऐसे के तो और भी बहुत सारी FIR हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें FIR से। क्या कहेंगे सर? ये देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, ये कुछ दिन बाद हाई पेपर में आएगा। अभी तो एक पेपर ने साहस किया है छापने का, कुछ दिन बाद हाई पेपर में आएगा। इनका अत्याचार, जिस तरह से इन्हें देश पे अत्याचार कर रखा है ना भारत सरकार ने, ये हर पेपर में छपेगा जब इनकी नींद खुलेगी। कुंभकर्ण के बाद पहली नींद अगर सोए हैं तो कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री सोए हैं? प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, कहाँ सोए हैं? मन की बात तो किसको सुनाते हैं? पब्लिक की तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं किसको सुनाते हैं मन की बात? अकेले में घर में बैठ के मन की बात करते हैं, फिर जनता के कभी कभी सोचा हो ना जनता के बारे में? जान लेते हैं ना मन की बात, किसान मजदूर तमाम सब की बात करते हैं। अरे किसान मरते रहे, 750 किसान मारे गए, उनके पास कोई डाटा ही नहीं है। किसके मन की बात करी उन्हें आज तक? किसी से मन की बात तो करी होगी, 750 मरेंगे उनका कोई डाटा ही नहीं है उनके पास, तो किससे मन की बात करते रहे?
आप देख सकते हैं मेरे साथ सैनिक भी हैं, यहाँ पे लगातार सैनिकों का भी प्रदर्शन है, तो जानेंगे कि अब सैनिक भी इस धरने में शामिल हो गए हैं। सर क्या लग रहा है, बेटी बेटी जिस तरह से रो रही हैं, अपना मेडल फेंकने को मजबूर हैं, क्या लग रहा है कि अब कहाँ गया गौरव, वो जो बड़े बड़े मान सम्मान की बात की जाती थी वो कहाँ? तो मोदी जी तो गौरव के नाम से राजनीति उन्हीं के करते, कभी सैनिकों के नाम से, कभी पहलवानों के नाम से, खाली राजनीति करना उन्होंने सीखा है, बाकी कुछ नहीं। उनको तो पैसे चाहिए और ऐसे गुंडे चाहिए। कहते हैं कि मोदी जी उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करता, दुनिया जानती है कैसे कार्रवाई करेगा। वो मोदी को पैसे भी देता, वोट भी दिलाता, बाहुबली भी है, पैसा बली भी है। सरकार चलाने के लिए तो पैसे वाले और गुंडे ही चाहिए, तभी सरकार चलेगी। रात तो इसे ऐसे सर लोकतंत्र में जो है जनतंत्र होता नहीं है, लोकतंत्र कहाँ है, लोकतंत्र लोकतंत्र दिख रहा क्या, लोकतंत्र है क्या? लोग तो यहाँ खड़े हैं, तंत्र फैल हो गया, मोदी चाबी लिए बैठा है, कहीं लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नाम का रह गया। ये तो हमारी जनता बहुत बोली है, उनको अभी ले लेना चाहिए काबू में, कर देना चाहिए वो काम जो नहीं करना चाहिए। देश को बेच रहा है, देश को गुलाम कर दिया है मोदी ने, पूरे देश को अपने काबू में। कोई कानून नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, जो मोदी कहे सब सच। और मोदी वही कहता है जो मोदी को पैसे दे के खुश करे, अब उसको बचाए, वो तो बचाएगा सैनिकों को कहाँ, किसानों को वो मारा था, जाँच हुई क्या पुलवामा की, जाँच हुई क्या, कहते जाँच, इसीलिए लोग भाग नहीं। मोदी के यहाँ कोई जाँच नहीं होती है, कोई जाँच नहीं होगी बाद में, अभी इसीलिए जनता बैठी है। या तो उसको बंद करो, जांच पे विश्वास मोदी पे किसी को भी नहीं है, किसी व्यक्ति को जांच पे विश्वास नहीं है। कुछ अंधविश्वासों जो अंधभक्त हैं उनको जरूर विश्वास है, तो उनका सब खराब। सर कुछ लोग इस प्रदर्शन में शराब पी के आ रहे हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? ये वही लोग हैं, आ नहीं रहे, भेजे जा रहे हैं कुछ लोग, ये वही लोग हैं जैसे हम कहते हैं मीडिया बिका हुआ, उन लोगों को दिया जाता है देख करके, हम भेजते हैं कि ऐसे कुछ करो, आते हैं। मैं भी देखा हूँ बहुत से लोग कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि यहाँ के अंदर टोटली और टोटली भारत की राजनीति गंदी हो गई, इतनी गंदी कि उसकी बदबू पूरे देश में फैल चुकी है। यहाँ पे आज की सरकारों को, आज के नेताओं को नोट और वोट के अलावा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नोट और वोट चाहिए, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए, ना सेना की जो छह बार का सांसद रह चुके हैं ब्रजभूषण, और कहा जाता है कि बाहुबली है, क्या इसीलिए गिरफ्तार? इसीलिए तो छह बार रहे हैं, भला आदमी एक बार भी जाए ना, भला आदमी को 5 वोट नहीं मिलेंगे? गुंडों को, बदमाशों को, चोरों को, लुटेरों को वोट मिलते हैं, राज वही कर रहे हैं, राज चलाने के लिए गुंडे और लुटेरे अच्छे हैं, तब राज चलता है। तो आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे इस वक्त जंतर मंतर पे जो कहा जाता था कि ये धरना राजनीतिक है, या फिर कहा जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा कि ये सिर्फ हरियाणा के लोग हैं, तो आप साफ तौर पे देख पाएंगे कि देश भर से लोग एकजुट हो रहे हैं और बेटियों के समर्थन में उतर आए। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।